नमस्कार, आपका स्वागत है डीबी न्यूज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन में कहा, धर्म का जहाज हिलता डुलता है लेकिन डूबता नहीं। यह सम्मेलन मानव की दिशा में एक बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास है। राज्यपाल ने कहा, यह सम्मेलन युद्ध और पीड़ा से कराहते विश्व को शांति का मार्ग दिखाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, धर्म धम्म का पहला सिद्धांत सभी जीवों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करना है। वहीं हम आपको बता दें कि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हो रहे 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन में 15 देशों के 350 से ज्यादा विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हुए। नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित सम्मेलन 5 मार्च तक चलेगा। धर्म धम्म के वैश्विक विचारों को मंच प्रदान करने वाले सम्मेलन में कई बड़े देशों ने अपनी सहभागिता भी दी। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज के साथ।